हेलो क्रेजी शेड्स फैमिली। मेरी क्रेजी शेड्स फैमिली छोटी सी है, पर आप सबने जो लोटस वाले वीडियो को इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। ये है मेरी पहली लोटस पॉन्ड, पर जब 3-4 लोटस प्लांट्स एक साथ ग्रो करने लगे तब मुझे लगा ये टब बहुत ही छोटी है, तभी मुझे प्लांट्स के लिए एक बड़ा पॉन्ड तैयार करना पड़ा। पर ये वीडियो आज लोटस पॉन्ड के बारे में नहीं है, बल्कि पॉन्ड में रखे गए फिशेस के बारे में है। मैंने इस छोटे से पॉन्ड में भी शुरू से ही लोटस प्लांट्स के साथ मौली फिश रखे थे। वैसे तो मुझे शुरू में फिशेस रखने की कोई शौक नहीं थी। मैं जब भी दूसरों के घरों में एक्वेरियम देखती हूँ, मुझे हमेशा लगता है कि फिशेस मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, पर समय समय पर क्लीन करना, फिर पंप लगाना वगैरह वगैरह। पर जब मैंने लोटस पॉन्ड तैयार किया, छोटा बड़ा जैसा भी पॉन्ड हो, पानी रखना तो ज़रूरी था, और स्टैंडिंग वाटर मच्छरों के लिए बेस्ट ब्रीडिंग स्पॉट होता है। इसका उपाय ढूंढने के लिए जब मैंने नेट में सर्च किया तो बहुत लोगों ने लोटस पॉन्ड में फिश रखने की सजेस्ट की, क्योंकि फिश मॉस्क्यूटो लार्वा खा लेते हैं। आइडिया अच्छा था, पर एक्सपीरियंस टोटल ज़ीरो। एज़ यूजुअल फिर से हाल ढूंढने के लिए इंटरनेट पे सर्च करना था, कौन कौन से फिश है जो आउटडोर पॉन्ड में इजीली सरवाइव कर लेते हैं। कुछ स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि मौली फिश बेस्ट होते हैं लोटस पॉन्ड के लिए। और भी फिशेज है, जैसे गप्पी, गोल्ड फिश, ये सब भी अलग अलग टेम्परेचर में सर्वाइव कर लेते हैं। मैंने मार्केट से मौली फिश लिए, ये ज़्यादा महंगे नहीं होते, पर मेरे एक्सपीरियंस ना होने के कारण शुरू शुरू में 6-7 फिश मर भी गए। शुरुआत में मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी, फ्रीक्वेंटली पानी चेंज करना, मछलियों को खाना देना, इवन प्रेग्नेंट मौली को अलग रखना। तो लोटस प्लांट से सारा ध्यान शिफ्ट हो गया मौली फिश पर। ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देने पर मौली फिश डिस्टर्ब्ड हो जाते। एनीवे, अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ है, इतना समझ आ गया है कि अगर नेचुरल एनवायरनमेंट में फिश रखने हैं तो इनको ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। अब तो मेरे लोटस पॉन्ड में मौलीज बच्चे भी दे रहे हैं। इस पॉन्ड में आप ज़्यादातर ब्लैक मौली ही देख रहे होंगे। मुझे लगता है ब्लैक मौलीज बाकी कलर के मौली से थोड़ा स्ट्रॉन्गर होते हैं। जितने मैंने रेड और ऑरेंज मौलीज खरीदे हैं उनमें से बस एक ही बची है, एक ऑरेंज मेल मौली। मछली एक्टिव ना हो तो पता चल जाता है कि ये सरवाइव नहीं करेगी। आज मैं एक और फीमेल ऑरेंज मौली इस टैंक में डालने वाली हूँ। पिछले 2-2.5 घंटे से मैंने इसको इस तरह से रखा है ताकि इसका ओरिजिनल पानी और नया पानी सेम टेम्परेचर में आ जाए। ये फीमेल प्रेग्नेंट मौली है, देखते हैं ये मेरे लोटस पॉन्ड में सरवाइव कर पाती है कि नहीं। मैंने लोटस पॉन्ड में शो के लिए थोड़े से वाटर कैवेज भी डाल रखे हैं। दोनों ऑरेंज मौलीज अब एक साथ मिले हैं, लगता है फ्रेंडशिप हो रही है। अब तो मुझे इन मछलियों से लगाव सा हो गया है, अक्सर मैं आके इनको देखती रहती हूँ। मैंने कहीं पे पढ़ा है कि पानी में मछलियों को तैरते हुए देखने से मेंटल स्ट्रेस कम होता है। इस पॉन्ड में जितने भी फिश है मैं इनको ऊपर से कोई खाना नहीं देती हूँ। जो एल्गी इस पॉन्ड में ग्रो होते रहते हैं वही फिश का खाना है। आपको पानी थोड़ा ग्रीनिश लग रहा होगा, पर इसी टाइप का पानी फिश के लिए बेस्ट होता है। वैसे ये पानी एकदम क्लीन और ट्रांसपेरेंट है, मैं ऊपर से एकदम फिश टैंक की बेस तक देख सकती हूँ। आपको शायद रिफ्लेक्शन के वजह से
क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, पर पानी इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है कि ऊपर से पॉन्ड का बेस बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। क्या आपको लोटस का एक छोटी सी कली दिख रही है? मैं तो लाइफ में पहली बार पानी के नीचे लोटस की कली देख रही हूँ। ये यूफोबिया मिली या क्राउन ऑफ थॉर्न्स है। ये प्लांट आजकल हर किसी के घर में दिखता है, पर मैंने जो फिश टैंक के चारों तरफ क्राउन ऑफ थॉर्न्स लगाया है, इसका एक पर्पस है, वो है बिल्लियों से फिश को बचाना। ये लोटस पॉन्ड एकदम ओपन एरिया में है, तो बिल्लियाँ घूमते फिरते कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए बिल्लियों से बचाने के लिए ये तरीका मैंने अपनाया। और मैं आपको बता दूं कि ये आइडिया बहुत काम का है। तो लोटस पॉन्ड के लिए फिश और फिश के लिए क्राउन ऑफ थॉर्न्स। मेरी जो पहली वाली छोटी सी लोटस पॉन्ड थी, उसमें मैंने अभी कुछ गोल्ड फिश रखे हैं और साथ में कुछ वाटर कैबेज। वाटर कैबेज देखने में सुंदर लगते हैं और मछलियों को छुपने के लिए जगह भी मिल जाती है। और यहाँ पे भी पॉन्ड के चारों तरफ क्राउन ऑफ थॉर्न्स हैं। जब भी पॉन्ड के सामने आती हूँ, ये गोल्ड फिश सेंस कर लेते हैं। अभी ये खाना मांग रहे हैं, तो इन सबको अभी खाना दे दिया जाए। इस पॉन्ड में मैं दिन में एक बार मार्केट वाला फिश फूड डालती हूँ, क्योंकि इस पॉन्ड का पानी मैं वीकली चेंज करती हूँ और तब टब को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, इसलिए यहाँ पे एल्गी ग्रो नहीं हो पाता। तो इन मछलियों को एक बार दिन में फिश फूड देना होता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वाटर किंगडम? मेरे हॉबीज, इंटरेस्ट, मेरे पर्सनालिटी के वेरियस शेड्स आप लोगों के साथ शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ओपन एरिया फिश पॉन्ड का अगर किसी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। क्रेजी शीट्स चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। टाटा।